उत्तर प्रदेश के जिला बरेली की तहसील नवाबगंज थाना क्षेत्र गांव विजामो में किसानों व राहगीरों में आवारा पशुओं को लेकर आक्रोश है। बता दें कि जिलाधिकारी बरेली के सख्त निर्देश के बावजूद भी नवाबगंज क्षेत्र के ग्रामीणों के किसानों को छुट्टा पशुओं से निजात नहीं मिल रही है। अब भी गांवों में सैकड़ों आवारा पशु राहगीरों व किसानों के सर दर्द बने हुए हैं। किसान अपने खेतों में खड़ी फसल को बचाने के लिए कटीले तारों का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण आवारा पशु तारों में फंसकर जख्मी हो जाते हैं व बुरी तरह तरह जख्मी होकर इधर उधर भटकते हैं व किसानों व राहगीरों को नुकसान पहुंचाते हैं व झुंड बना के सैकड़ों पशु विजामो बाग में अपना डेरा डालते हैं व दिन रात किसानों की फसल व राहगीरों को परेशान करते हैं। सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में ब्लॉक स्तर पर बनाए गए गौशाला में भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जिलाधिकारी के सख्त आदेश के बाद भी आवारा पशुओं को कर्मचारी नहीं पकड़ पा रहे हैं। इसका परिणाम विजामो गांव के किसानों व राहगीरों के आक्रोश से देखा जा सकता है। ग्रामीण सुनील साग, प्रकाश, राजेश, लाला, सुजीत साग, जुगन साग, राजकुमार, ध्रुव, राकेश, तेजपाल गंगवार, आशा आदि किसानों ने प्रशासन व जिलाधिकारी बरेली को छुट्टा पशुओं को पकड़ पाकर निर्धारित गौशाला भेजने को लेकर मिलने की बात कही है। क्या नाम है आपका? सुनील साग। कहाँ के रहने वाले? विजामो। ये जो आपने एप्लीकेशन दी है, क्या मामला है? ये इसलिए दी है कि बिजार जो है ना, जख्मी हो रहे हैं बहुत और इनकी कोई देख रेख है नहीं। यहाँ पे अभी कीड़े पड़ रहे हैं इनके गर्दन में। सब लोग बोले परेशान है बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा इस तरीका से इनको मारा जाता है और घायल हो जाते हैं ये तारों से। कोई इनकी देखभाल नहीं है ना इनकी कोई सुनवाई। ये इतने सांड और यहाँ इतनी सांड और गाय हैं, क्या यहाँ क्या गौशाला नहीं बनाई गई? नहीं बने तो जो गौशाला बन गई है। किसान बहुत परेशान, किसान आधा वोट कट गया इस चक्कर में, बिहारों के चक्कर में बीजेपी का। ये तो बीजेपी को ही वोट देना है हर किसी को, पर मतलब क्या करे, किसान परेशान है। आपकी आपकी जमीन कितनी है? मेरी 2 बीघे जमीन है। तो आपका भी नुकसान होता है? बिल्कुल नुकसान। अच्छा, ये जो 10 बीघा 50 बीघा सबका नुकसान होता है। बात वो बात 40 बीघे की। ये बताइए, ये जो गाय हैं या बिजार हैं या जख्मी हैं, क्या आपने डॉक्टर या SDM या किसी से अधिकारी से शिकायत की? मैसेज भी डाले थे मगर एक दो बार कोई आया, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं, कोई नहीं आता। इस बाग में देखा जाता है कभी 50-60 100 हो जाते हैं गाय यहाँ होते हैं, तो सब ये कोई गौशाला में नहीं है। कोई वो नहीं, कुछ गांव के अंदर बैठे हुए हैं बहुत सारे पंचायत घर के वहाँ पर। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? प्रकाश चंद। आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? अरे हम ये कहना चाह रहे हैं तो इनकी गौशाला और इनका इंतजाम ये किया जाए, इन्हें यहाँ से पकड़ के गौशाला छोड़ दिया जाए और ना ऐसे करते मरते रहेंगे, फायदा क्या निकलेगा? इनकी कीड़े पड़ रहे हैं, नुकसान बहुत होता है, तो बहुत ज्यादा हो रहा है। नुकसान भी हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। नुकसान तो इतना है, रात रात में अपने घर पे सोते हैं, हम जंगल में सो रहे हैं। नुकसान तो है, हम जंगल में, हमारे यहाँ कोई जीव हत्या नहीं होती है। कोई आदमी जाए, हम लोगों के यहाँ कोई जीव हत्या नहीं, आज तक कोई जीव हत्या न हुई ना होने देते हैं। मगर कहने का ये है कि इनका कोई बंदोबस्त इंतजाम करा जाए, बंदोबस्त किया जाए सरकार, या ये वहाँ भिजवाए जाए, नहीं माननीय विधायक जी भिजवाए, अच्छा, कोई भिजवाए, हमें इसका पता नहीं। एक बात और, वहाँ भी गौशाला ले जाते हैं, लोग कहते हैं बच्चे छोड़ जाओ, लेकिन ये बड़े नहीं लेंगे, हम वहाँ पे भी लेते नहीं, बड़े सांड नहीं लेंगे। हम ये चाह रहे हैं कि जैसे ये जख्मी होते हैं, परसों एक बिजार मर भी गया था यहाँ पे, उसके किसी ने कुछ डाल दिया पता नहीं, तो वो मर गया, उसको कहीं डलवा दिया था यहाँ से। अब कहने का मतलब ये है कि ये बहुत ज्यादा अन्याय हो रहा है। बीजामो रोड पे गांव में गौशाला होनी चाहिए। बीजामो रोड पे बीजामो रोड पे ऐसी कई घटनाएं हैं कि उनका वध किया जाता है, ये क्या बात सही है? हाँ, वध भी कर ले जाते हैं लोग रातों में। कई एप्लीकेशन आ चुकी है इस मामले में। दूसरा क्या है कि ये बेजवान जानवर है, इनके साथ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये कट रहे हैं, फंस रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि जब हमारे यहाँ जीव हत्या होती नहीं है, तो हम ये चाहते हैं कि इनको यहाँ से पकड़वाया जाए, गौशाला छुड़वाया जाए, हमारी इतनी हेल्प करी जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। अरे पहले पैसे में जाते थे ये, और अब फ्री में मिल रहा है उनको तो फायदा हो रहा है। कोई बेचने वाले, मांस बेचने वाला, फायदा हो रहा है। अधिकारियों से आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि गांव में हमारे गौशाला खोले, गौशाला बने, उनका इंतजाम हो। आपके गांव में आपके गांव में गौशाला ही नहीं? हमारे यहाँ बने। हम ये चाहते हैं कि ये बेजवान जानवर है, इनकी जिस तरीके से ये इनकी केयर नहीं हो पा रही, देखभाल नहीं हो पा रही, तो हम ये चाहते हैं ये कैसे करके गौशाला चले जाएं, वहाँ पे इनकी कुछ तो पैरवी होगी। यहाँ ये मान लो तारों से कट रहे हैं, मर रहे हैं, उससे तो बेहतर रहेंगे ये,
इसलिए हम चाह रहे हैं। ठीक ओके थैंक यू। हमें किसी की कोई शिकायत नहीं, मगर शिकायत यही है कि ये बेजुबान जानवर है। ओके थैंक यू। बस बरेली उत्तर प्रदेश से अखलाक अंसारी की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।